हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल। दोस्तों, आपको मैं एक नई मंदिर के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही ऐतिहासिक है और यहां पे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और माना जाता है कि ये आज से करीब 50-60 वर्षों के ऊपर मंदिर है। यहां पे बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर और बाकी बातें वहीं पर हम करेंगे। हेलो फ्रेंड, देखिए आप सामने आपको मंदिर दिख रहा है और हमारे महादेव, देवों के देव महादेव भोलेनाथ भी हैं। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आपको सामने से दिखा रहा हूँ हमारे महादेव जी, भोलेनाथ जी मंदिर की शोभा किस तरह बढ़ा रहे हैं। और आज शाम भी हो गई है इसलिए ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताला भी लगा है। फिलहाल आपको हम यहाँ तक आए हैं तो अंदर दर्शन जरूर करवाएंगे पंडित जी से बात करके। दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारी माँ कमाशीन धाम है। और माता जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि माता जी मुझे सक्सेस प्राप्त करें, मैं आगे बढ़ूँ, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और माता रानी से दुआ करता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स माता रानी की वीडियो देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, भी सक्सेस प्राप्त हो, उनकी सारी समस्याएं दूर हो, ये माता रानी से मेरी प्रार्थना है। जय माता मां। दोस्तों, माता रानी के साइड में इधर काल भैरव जी हैं और माता रानी के जस्ट इस साइड में हमारे अतुलित बलधामा मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जो कि ये भी सारी समस्याएं सबकी दूर करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मंदिर में माता रानी के दर्शन। काल के नाम से आपको सभी जानते हो, महाकाल की भक्ति सब पे छाई हुई है। तो फ्रेंड, ये आप जो देख रहे हैं तो ये महादेव की पंचमुखी मूर्ति है, जिसमें महादेव के पांच सर दिखेंगे, जो चारों तरफ एक एक है और बीचों बीच में एक ऊपर सर लगाया गया, मतलब पंचमुखी महादेव का शिवलिंग है, जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को पाया गया है। पंचमुखी महादेव का शिवलिंग ज़्यादातर किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं भी होगा कि शायद किसी ने पंचमुखी महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया हो। और फ्रेंड, आप ये बाजू में देख सकते हैं जो महादेव जी के सवारी हैं, नंदी जी को मेरा सादर प्रणाम है। और ये बहुत महादेव के बहुत ही करीब रहे हैं, बोलते हैं कि इनसे भी बोलने पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो नंदी महाराज, मुझे सक्सेस प्राप्त कीजिए, बस यही आपसे दुआ है मेरी। तो नंदी जी के इधर बाजू में आप देख सकते हैं, ये हमारे भोलेनाथ जी के परम पुत्र कार्तिकेय जी महाराज हैं, जिनके आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज हैं, बोल रहा था आपसे कि महादेव के मंदिर में इनकी पूरी फैमिली के दर्शन कर सकेंगे आप। और आप इस बाजू में देख सकते हैं कि महादेव जी के सुपुत्र श्री गणपत बप्पा जी महाराज, जो कि प्रथम पूजनीय हैं, उनके भी आप दर्शन कर रहे हैं। और इस साइड में हमारे भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी, मतलब हमारी माता पार्वती जी हैं, जिनके आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपने हमारे महादेव की पूरी फैमिली से मिल लिए हैं, आपने सबके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, बाद में करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।